हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी पराठा। मेथी और मटर का पराठा बनाएंगे आज हम, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैं कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ घी, आप बटर भी डाल सकते हैं, और इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा, और ये मैं हींग डाल रही हूं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, तो मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज, ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिसको मैंने बारीक कट किया है, और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। अब इसके अंदर डालेंगे हम मटर, ये मेरे मटर बॉईल नहीं किए हुए हैं, फ्रेश मटर ले रही हूं मैं, और अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे मसाले, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, तो मैंने ये एक टीस्पून यूज किया है, ये मैं इसके अंदर धनिया जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर डालेंगे हम मेथी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक कट कर लिया है, ये मेरी 250 ग्राम मेथी है, और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कद्दूकस की हुई अदरक, अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसी हिसाब से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिसे हमारी ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आलू, ये मैंने दो मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है। और अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है, आप चाहो तो आलू को कद्दूकस करके भी यूज कर सकते हो। और अब इसे हमें अच्छे से इसे मैश कर लेना है। और इसी हिसाब से हमें इसे अच्छे से चम्मच से मैश कर लेना है, आप चाहो तो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हो। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पान मेथी, जिससे बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा, और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है, और थोड़ी देर कवर करके इसे साइड पे पकने के लिए रखेंगे। तब तक हम हमारा आटा लगा लेते हैं, तो मैंने एक कप आटे के अंदर दो चम्मच बेसन यूज किया है, और अब इसी के अंदर हम डालेंगे अजवाइन, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूं नमक, और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूं घी, घर का जो देसी घी होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और अच्छे से इसे हमें मिक्स करके आटा लगा लेना है। तो पहले हम हमारे सभी
को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें नॉर्मल पराठे वाला आटा लगाना है इसके अंदर। तो आटा भी हमारा लगकर रेडी हो गया है और थोड़ी देर इसे रेस्ट पर रखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। और अब इसकी हम लोई तोड़कर पराठा बनाएंगे। तो अच्छे से इसे हमें बेल लेना है। पराठे की साइज आप कोई भी रख सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी हमारी स्टफिंग। आपको स्क्वायर शेप में स्टफिंग डालनी है या फिर ट्रायंगल डालनी है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। पराठे को कोई भी शेप दे सकते हैं। ये मैं ट्रायंगल के शेप में पराठा स्टफ कर रही हूँ और हम अब सब साइड से इसे अच्छे से कवर कर लेंगे जिसे ट्रायंगल अच्छे से दिख सके। और अब थोड़ा सा आटा इसके ऊपर लगाकर हम अच्छे से इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। तो ये हमारा पराठा तैयार हो गया है। इसी हिसाब से हम हमारे बाकी के पराठों को भी बना लेंगे। इस हिसाब से अगर हम मसाला पराठे के अंदर स्टफ करते हैं तो मसाला पूरे पराठे में अच्छे से आ जाता है। इस पर भी हम थोड़ा सा सूखा आटा डालकर अच्छे से बेल लेंगे जिसे मसाला हर एक कॉर्नर में आ जाए। तो ये पराठा हमारा तैयार हो गया है और ये मैंने तवा गरम होने रख दिया था, उसके अंदर मैंने हमारा पराठा भी रख दिया है और पलटकर इसे हमें घी में फ्राई करना है। आप चाहो तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हो लेकिन घी में फ्राई किया हुआ पराठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और अब पलट कर हम फिर से इसके ऊपर घी लगा देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है जिससे पराठा हमारा ऊपर से क्रिस्पी बनेगा और अच्छे से पलटते हुए इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया इसके अंदर। इसी हिसाब से हम हमारे बाकी के पराठों को भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा मेथी और मटर का पराठा। इसे मैं आपको तोड़कर भी बता देती हूँ इसके अंदर स्टफिंग कितनी अच्छे से फिल हुई है। ये देख सकते हैं इस पराठे के अंदर स्टफिंग कितनी अच्छे तक आई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लो और सामने जो बेल आइकन दी है उसे भी प्रेस कर देना, इससे मेरे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।